हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आपका अपने चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो अभी मैं नहा करके आ गई हूँ और अभी वही 8 बज रहे हैं लगभग। एक्यूरेट टाइम तो नहीं मैंने देखा है, लेकिन लगभग 8 बज रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में बच्चों की मेरे क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो वो भी अपना सारा काम करने में जुटे हैं और नहाना धोना सब कुछ हमारा हो चुका है, लेकिन बच्चों का अभी नहीं हुआ है। तो अब मैं बस नहा धो करके हल्का लाइट थोड़ा सा मैंने बॉडी लोशन ले लिया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो अभी जस्ट मैं नहा धो करके आई हूँ और सारा काम, सब जो मॉर्निंग के काम होते हैं वो सब हो चुके हैं। बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो गई है नहीं तो हुए अभी, इनने चाय भी नहीं पिलाई। अब नहाने के बाद हम लोग चाय पीते हैं? ऐसे नहीं पीते, मैं तो बिल्कुल भी पानी भी नहीं पीती हूँ। अब जा रही हूँ, अब पूजा पाठ होगा, उसके बाद फिर ये देख रहे हैं मेरी चुगली कर रहे हैं। चुगली कर रहे हो? और इधर क्या? आके चुगली करो, एक नहीं मिनट। नहीं 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 चुगली कर रहे हैं। अभी तक चाय भी नहीं पिलाई। तो चाय नहाने के बाद पी जाती है ना? तुम नाओ भाई, है हम ना, तो आराम से अच्छे रहेंगे। अच्छे इंसान बनो, पूजा पाठ करो, हम उसके लोग बाद आराम से चाय रहेंगे, पियो। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? कैमरे से बात क्यों रहे? हम लोग आराम से चुगली रहेंगे। चुगली की है तो अच्छे से करो। मेरी चुगली कर रहे थे, देखा आपने? है ना, चलो ठीक है, लेकिन मैं अच्छी चीज सिखाती हूँ, उसका कुछ भी नहीं, कोई लेना देना नहीं उसका, ठीक है माता है ना। रानी। मेरे चलो बच्चे सुबह सुबह नहा धो करके तुम्हारी, तैयार हो जाते हैं। और चलो काव्या की हो गई है तबीयत खराब। काव्या क्या हुआ है बता दो, आप सबको बता दो, हेलो बोल दो। काव्या की एकदम तबीयत ढीली हो गई, काव्या को हो गए हैं लूज मोशन। तो काव्या कल हुआ, मतलब तबीयत खराब थी, आज थोड़ा गरम लग रही, नहीं ठीक है। तो आज इसको जाएंगे डॉक्टर पे दिखाने, मेरी काव्या की तबीयत गड़बड़ हो गई। और अभी चलते हैं, फिर जल्दी से चाय बनाते हैं, पूजा करते हैं। तूने मुझे छू लिया, अब मुझे पूजा करने जाना है अभी। बच्चे ठीक है, अब मैं चाय पी के जा रहा हूँ, बच्चे चलो मेरे आराम पता से। है रोज गंगा जल छलकना पड़ेगा, बात सही है। चल नहा के अपना। तो रोज पता है ये सब जल्दी सुबह सुबह नहा लेते, 7-8-9 बजे तक हर हाल में नहा धो करके ही क्लास लेते, 8:50 की क्लास होती, लेकिन आज इन लोगों ने नहाया नहीं है अभी तक। और मैंने इससे कहा भी नहीं, इससे पर्टिकुलर इससे, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हो सकता है इसको सर्दी लगी हो पेट में, इस चक्कर में ही मतलब इसको हो रहा है ये सब कुछ, तो इसलिए मैंने नहीं कहा। आज तबीयत ठीक नहीं है, और सिवाय आज महाराज रात भर नहीं सोए हैं, रात भर उनने, और अभी सो के उठ के पता है क्या मांग रहा है वो? मम्मा पुआ दे दो, पुआ खाना है। तो पता नहीं कहाँ से उसके शब्द आ जाते हैं मुंह में रात में, मम्मी नमकीन दे दो, अब बिस्किट दे दो, मम्मी अब पानी दे दो, अब दीदी पास सोना। आज कम से कम 5 बार जगा है, 5 बार सोया है, पिटाई भी लग गई रात में। अब बताइए इतना नींद आती है कैसे काम चले, लेकिन बच्चा है परेशान करके रखता है। तो चलिए जल्दी से करते हैं फटाफट से पूजा, है ना। बस अभी मैं आ गई हूँ रसोई में और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कांदे पोहे। तो बस नाश्ते में सुबह क्या बनाएं, ये सवाल मुझे लगता है हर घर में होता है, और सबसे ज़्यादा इसमें महिलाओं को ही प्रॉब्लम होती है, उन्हें ही सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं, क्योंकि जेंट्स का क्या है वो तो सजेस्ट कर नहीं पाते, वो मेरे यहाँ तो यही बोलते हैं जो तुम्हें सही लगे वो बना लो, बस कभी भी कोई डिमांड नहीं रहती है। बाकी चीज़ों में डिमांड रहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन नाश्ते में सुबह सुबह कुछ भी समझ में नहीं आता, तो बस यही मुझे लगा कि चलो फटाफट से पोहा बना लेते हैं। पोहा सबसे जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, और सबको मेरे यहाँ ना सिवाय तक पोहे खा लेता है, उसको भी मतलब पसंद है, धनिया वगैरह हटा के सब चीज़ें वो खा लेता है एकदम सादा सादा। तो यहाँ पर मैंने प्याज वाले पोहे बनाए हैं और हल्के मीठे हल्के खट्टे होते हैं ना, खट्टे मीठे पोहे, तो वो, और मैंने थोड़ा सा प्याज बचा लिया है क्योंकि ऊपर से मेरा ये डालकर ही खाते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें नमकीन डाल दी है, तो आलू भुजिया तो थी नहीं, हमारे पास रतलामी सेब होते हैं ना उस तरह के थे, तो वो मैं नमकीन मैंने डाल दिए हैं। और उसके बाद आप देखिए पुआ देखने में जितना सुंदर लग रहा है ना, उतना ही सुंदर खाने में भी लग रहा था। तो सब लोगों ने यहाँ पर नाश्ता किया और नाश्ता करते करते हमें 9:30 के करीब हो गया था। थोड़ी देर फिर हम लोग बैठ गए, बात बात की ऐसे करके, फिर नाश्ता हो गया, फिर मैंने खाने की थोड़ी सी तैयारी की, फिर मैं इनके साथ गई हूँ मंदिर, क्योंकि ये मार्केट बोले मैं जा ही रहा हूँ और कुछ काम मुझे भी थे और काव्या की दवा वगैरह लेनी थी, आपको पता ही है, तो उधर ही बस मंदिर
मंदिर हमने कहा भगवान जी से जय करके आ जाते हैं 5-10 मिनट में। और 2-3 दिन से मेरा मंदिर जाने का मतलब मन भी कर रहा था, और काव्या के कुछ प्रिंट आउट निकलवाने थे क्योंकि स्कूल का प्रोजेक्ट उसका बनवाना था, और आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे घर के पास में वहीं पर मॉल भी है, तो हम मॉल गए क्योंकि हमारी कुछ ग्रॉसरी की कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी जिनको लेना ज़रूरी ही था। तो ये कुछ बर्नी वगैरह इस तरह से सेरेमिक जार भी मुझे लेने थे, मुझे मतलब अपना किचन में कुछ चीज़ें ज़रूरत थी। कुछ वहाँ पर मिल पाई और कुछ नहीं मिल पाई, लेकिन जाने दीजिए कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर की है, तो जो कुछ भी आ जाएगा तो हम आपसे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो बस मैंने किचन के लिए कुछ चीज़ें ली, और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छा था, तो मेरे को जितना जो कुछ भी ज़रूरत था तो मैंने लिया, बाकी तो ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि अभी किचन में सब सभी चीज़ें हैं। तो बस मेरे को ना ऑयल डिस्पेंसर अच्छा नहीं मिल पा रहा, जो कि मेरे को लेना ही लेना है, और समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा लूँ। तो अगर आप सभी को के पास कुछ ऑयल डिस्पेंसर हो और आप इस्तेमाल कर रहे हो और काफ़ी अच्छा हो, तो आप हमें ज़रूर सजेस्ट करिएगा कि ऑयल डिस्पेंसर कौन सा अच्छा रहता है। और फिर आ गए हैं हम लोकल मार्केट की तरफ, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लेस वगैरह मिल रही थी। फिर मैंने ये सेरेमिक जार इस तरह से लिया था, इसमें एक नीचे स्टैंड भी है जिसके अंदर आप अच्छे से सब चीज़ों को रख सकते हैं। और ये 4 जार हैं जो कि हमें 199 में मिले हैं, मतलब 200 में, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। अचार है, घी है, जो मतलब डेली यूज की चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी, इसमें आप आसानी से रख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मेरे सिवाय को पसंद आ रहा था, सिवाय सोच रहे थे कि इससे खेला जाएगा, ये खिलौने हैं, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, बार बार वो उसको टच कर रहा था। तो आप देख सकते हैं ये प्लेट भी इसी के साथ में है, 199 में, मतलब 200 में पूरा है। उसके बाद अमरूद वगैरह लेके आए थे, तो ये बोल रहे थे अमरूद काट दो, खाता हूँ पहले, क्योंकि अमरूद देख के ही मतलब खाने का मन कर जाता है। और आज हमारे दोपहर के खाने में सिर्फ खिचड़ी है, मूंग की दाल की खिचड़ी, और सिर्फ ये इस वजह से बनाई गई है काव्या की वजह से। तो हम लोगों ने खाना वाना खाया, खाते खाते 3 बज गए, और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अभी शाम के बज रहे हैं 5, तो इनकी वही 5:15 के करीब कॉल आया कि ड्यूटी मतलब जाना है, इनको 6:40 पे ड्यूटी जाना है। तो बस यहाँ पर मैं पालक लाए थे, ये ताजी एकदम, तो मैंने कहा चलो पालक का ही कुछ बना लेते हैं। तो पालक को मैंने पीस कर आप देख रहे हैं कटोरे में रख दिया है, उसके बाद उसी जार में मैं बना रही हूँ चटनी, जिसमें मैंने डाला है धनिया, जीरा और हरी मिर्च और नींबू का रस। तो चटनी में ना अगर आप ज़्यादा कुछ ना डालो, बिल्कुल सिंपल तरीके से चटनी आप बनाओ, तो आपकी चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ये कटोरी में देखिए चटनी हमारी हरी हरी चटनी बनकर तैयार है। उसके बाद आलू हमारे बॉयल हो चुके थे, तो बस यहाँ पर मैं आलू को छील लूँगी। और आज ना हमारी बनाने की प्लानिंग कुछ और थी, लेकिन बन कुछ और गया क्योंकि ड्यूटी आ गई। तो फिर आप समझ सकते हैं ड्यूटी आई है तो फिर जल्दी जल्दी थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि समय हमें सिर्फ 1-1.5 घंटे का ही मिलता है। और पालक को मैंने इस तरह आटे में मैश कर लिया है, और इसमें थोड़ा सा मैंने बस नमक डाला और कुछ भी नहीं डाला है। उसके बाद ये आलू बॉयल किए हुए, इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा और हरी मिर्च, और ये धनिया पत्ती जाएगी इसमें खूब सारी। तो अभी तो धनिया इतनी ताज़ी ताज़ी बहुत अच्छी अच्छी आ रही है, तो खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद इसका पूरी पिट्ठी मैंने तैयार कर ली है, तो आज कुछ हरे भरे इस तरह के पराठे बनने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाले हैं। और मुझे लगता है आपने ना कभी इस तरह के पराठे बनाए होंगे और ना कभी खाए होंगे, तो एक बार इस डिश को ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये पता है टेस्ट भी हमें देगी और हमें हेल्दी भी बनाएगी। तो फिर ये देखिए पराठे हमें हमारे कितने अच्छे चटपटे पराठे बनकर तैयार हो रहे हैं। और बहुत ज़्यादा चटपटे तो मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी खाते हैं, इसलिए तो चटनी तो हमारी काफ़ी चटपटी है। और इनका जी नहीं माना तो ये बोल रहे हैं कि चलो अच्छा एक पराठा खाऊँ। गुस्से वाला हो रहा है ये आजकल, पता है इसको प्यार से समझाओ ऐसे नहीं। और ये हो रहे थे तैयार, मैं इनका टिफिन लगा रही थी, उतनी ही देर में काव्या और शिवाय की हो गई लड़ाई। तो शिवाय सीधे ना पता नहीं क्या अभी कर रहा है, 2-3 दिन से सीधे बाल पकड़ लेता है, शैतानी बहुत ज़्यादा करता है। और इन दोनों में एकदम भयंकर लड़ाई हो गई। तो ये देखिए ये ड्यूटी भी जा चुके हैं, और उसके बाद अब शिवाय की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही, तो मैंने कहा थोड़ा इसके ऊपर पानी उतार के डाल दूँ, मतलब नज़र उतार दूँ। तो पानी को इस तरह ले करके हाथ मुँह धुल के साफ तरीके से शुद्ध। तो ये देख
अभी बज रहे हैं शाम के 8:30, देखिए हाँ 8:30 बज रहे हैं और घड़ी मेरी आगे है ना तो उसमें 8:45 दिखता है। तो इनको मैंने ड्यूटी भेजा, ड्यूटी इनकी थी 6:40 की, तो 6:40 पे ड्यूटी गए और उसके बाद बस मैं अपने लिए चाय वाय निकाल ही रही थी, बना रही थी, मैंने कहा अब चैन से चाय पी लूँ फिर खाना वाना बाद में देखूँगी। तो बस तब तक हमारी बिल्डिंग की एक भाभी आ गई तो हम लोग 2 घंटे बैठे और खूब गप्पे मारी। गप्पे मारने के बाद तो अभी देख रहे हैं आप, बातें करते करते 8:30 बज गया पूरा। तो अभी लगी है बहुत जोरों की भूख, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं पराठे, जो कि आज मैंने इतने गजब के हरे भरे पराठे बनाए हैं, तो आप भी खाइएगा हमारे साथ। और आज पता है मुझे अपने बालों में, देख रहे हैं अपने बालों में, मुझे कंघी करने तक का टाइम नहीं मिला, क्योंकि चले जाओ बाजार तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। वैसे ही धुले थे आज मैंने बाल तो फिर टाइम नहीं मिला, फिर उसके बाद मतलब बाजार से आए 2 बजे, फिर खाना वाना हुआ, खाना वाना खाते करते हो बज गए 3, फिर उसके बाद थोड़ी देर लेट गई, लेटी थी कि बस तुरंत आ गई ड्यूटी। तो ड्यूटी के लिए खाना वाना बनाना फटाफट से चालू किया क्यों, और उसके बाद सूर्य डूब गए। तो हम लोग हो गया ना, सूर्य डूब जाते तो फिर कंघी नहीं करते, और खास तौर पे जिस दिन बाल धुलते हैं उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो वैसे तो मैं ये सब चीजें कभी कभी मना लेती हूँ, और अगर पार्टी में जाना है तो मना ही नहीं सकते, तो बाल को वो करना ही पड़ता है कंघी, लेकिन मतलब नहीं की जाती है। सूर्य डूबने के बाद कहते हैं कंघी नहीं करनी चाहिए, तो मैं कभी कभी मना लेती हूँ, मैंने कहा आज सूर्य डूब गए चलो कल देखेंगे। अब तो फिलहाल बाल ऐसे ही है, देख रहे हैं आप, बस यही है कि बच्चे अच्छे घर गृहस्थी, तो कई बार होता है ना हम अपने बारे में ही भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है अपना, और होता ना शादी से पहले बस ये देखना वो देखना कैसा क्या, और शादी हो जाने के बाद बच्चों का भी देखना हस्बैंड का भी देखना, फिर बाद में अपना नंबर आता है। तो चलिए कोई नहीं है, तो चलता रहेगा, हमारे ही बच्चे हैं हमारा ही घर है तो हमें ही देखना है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं पराठे और खाते हैं आपके साथ में। तो मैं वही आपको बता रही थी कि पानी को लेकर के 6 बार सीधा लोटा घुमाते हैं और 7वीं बार उल्टा, और बस उसको नाली में फेंक देते हैं तो नज़र उतर जाती है। मैं तो इसी तरह से अपने बच्चों को कर लेती हूँ, और ये देखिए आयरन से भरपूर हमारे पराठे बनकर तैयार हैं। तो ये लीजिए एकदम ग्रीन ग्रीन सर्दी के मौसम में पालक और आलू के पराठे, मतलब भरमा पराठे आप के लिए पेश है, खाइए और इनके मजे लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सिवाय चुप रहो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर बताएं। और एक पराठा भी बन रहा था वैसे, है ना। तो एक मिनट में पलट दूं उसको, तो आप भी एक बाइट खा करके जरूर बताइएगा गर्म बहुत जोर से कि आपको कैसा लगा इस ग्रीन चटनी के साथ में। तो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक मारना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू, ध्यान रखिए अपना और अपनों का।